आज मैं दीपा श्रीवास्तव की स्टूडेंट आपको एलिमेंट्री एग्जामिनेशन का ज्योमेट्री का पोर्शन का एक क्वेश्चन सिखाने जा रही हूँ, जिसका क्वेश्चन है डिवाइड अ लाइन ए बी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको एक वो साइज़ दे दिया जाता है लाइन का और उसे बोलते हैं कि 6 पार्ट्स में डिवाइड करो या फिर 5 पार्ट्स में ऐसे करके। तो ये एक टेक्निक है, इसको जेड टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है, तो वो मैं आज करके दिखा रही हूँ। पहले आप एक लाइन खींच लीजिए, ये 8 सेंटीमीटर की लाइन है, इसको नेम कर देंगे ए बी। अभी हम पॉइंट ए से अपने कंपास को लेंगे और पॉइंट ए पर रखेंगे और एक आर्क बना देंगे वहीं से, और बिना चेंज किए इसका रेडियस हम सेम वैसे ही बी पर करेंगे, लेकिन इस बार नीचे थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। अभी ये जो पॉइंट मिला है, मतलब जो आर्क ए बी लाइन को काट रहा है, उस पॉइंट पे हमको अपना रेडियस रखना है, बिना चेंज किए एक और आर्क मार देना है। ये इस आर्क को काट रहा है और अभी सेम हम वैसे ही करेंगे बी के साथ भी, बट इस बार हम नीचे बनाएंगे, नीचे कट मारेंगे बिना चेंज किए, याद रखिएगा। ठीक है, अभी हमको ये दो पॉइंट्स मिल चुके हैं, इसको हम नेम कर देंगे Z और इसको Y। इसको नेम नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बट जानने के लिए इजी होगा। अभी हम अपने स्केल को A पॉइंट पे रख के और ऐसा रखेंगे कि ये Z वाले पॉइंट पर पास होए, ताकि A और Z एक ऐसे लाइन में हम लोग एक खींच सकें। थोड़ा लंबा खींचिएगा क्योंकि इसको हमें 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और सेम हम ऐसा इसके साथ भी करेंगे। बी और वाई को एक साथ रखिए और नीचे खींच दीजिए, तो आपको एक ऐसा शेप, लाइटनिंग जैसा एक शेप आ जाएगा, मिल जाएगा। इसको और एक्सटेंड कर लेंगे ऐसे। तो अभी इस लाइन को हमें 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी पेंसिल जो रहेगी वो शार्पेंड रहे एकदम, ताकि पॉइंट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर आए। तो इसको थोड़ा छोटा करेंगे और इस पे 6 पॉइंट्स मार्क करेंगे। ए पर अपने कंपास को रखना, पॉइंट ए पर, और वहाँ से 6 पॉइंट्स, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और अभी सेम बिना चेंज किए रेडियस को हमें बी पर रखना है कंपास, पॉइंट बी पर, और सेम 6 पॉइंट्स मार्क करना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए हैं। अभी इसको भी लेबल कर देते हैं। इनको हमने मार्क कर दिया है। अभी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक ब्लैक पेन से लाइंस खींच रही हूँ, लेकिन वहाँ पे आपको पेंसिल से खींचना है। तो ये ए पॉइंट से 6 वाला पॉइंट, ये ध्यान से देख लीजिए, ए से 6 वाला पॉइंट हमको एक लाइन खींचनी पड़ेगी इधर, फिर 1 से 5 पॉइंट, 2 से 4th, ऐसे करते करते हमको एंडिंग तक लेके जाना है। सेकेंड, फिफ्थ से फर्स्ट और सिक्स्थ से ए
ए लाइन का सिक्स्थ से बी को मिलाएंगे, तो सिक्स्थ और बी और ये वाले का सिक्स्थ और ए, तो ये ऐसे हमको करना है। अब हमें एक डायमंड जैसा एक शेप मिल चुका है, लेकिन अब आप अगर ध्यान से देखें तो हमें इस ए बी लाइन के छह पार्ट्स मिल चुके हैं, यानी कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमने इस तरह से एक लाइन को, एक गिवन सेंटीमीटर, एक गिवन साइज़ की लाइन को डिवाइड किया है। और अगर आप चाहें तो इसको नाम दे सकते हैं, तो इसको ऐसे देंगे ए सी डी ई एफ जी और ये बी, तो इसको हमने ऐसे नाम दे दिया। और ये सब छः पार्ट्स इक्वल हैं, इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। और ये टेक्निक बहुत काम में आता है जब अगर आपको बोला जाए एलिमेंट्री में कि एक गिवन लाइन दिया है इतना इतना साइज़ का, और उसको 3, 5, 6, 7, 9 और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो। तो इन्हीं नंबर, सपोज़ आपको 4 का दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना, तो ये टेक्निक उस टाइम पे काम नहीं आएगी, आपको सिर्फ इन में आएगी 3, 5, 6, 7, 9 और 10, इनमें ही आपको एक डिवाइड करने आएगा, तो आपको ये वाली टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप एक लाइन को कर सकते हैं। थैंक यू इस वीडियो के लिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए आप लोग।